ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल करारे पकोड़े हैं। एक बार आप इस रेसिपी से जरूर बना के देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। आज मैं आपको पालक के पकोड़े बना के दिखाऊंगी, बहुत ही इजी और सिंपल स्टाइल में। तो जल्दी से चलो शुरू करते हैं पालक के पकोड़े बनाना। उसके लिए पहले मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी और कढ़ाई में ऑयल रख दूंगी गर्म होने के लिए। पालक मैंने धो के काट लिया है ये बारीक बारीक, और अब चलो मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या डालती हूँ। छह बड़ी चम्मच मैंने बेसन लिया है, ये अरारोट है, ये चावल का जो आटा होता है। अगर चावल का आटा आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े से चावल लेके उसको थोड़ा धो के थोड़ा सुखा के उसको कपड़े में पोंछ के और फिर उसका आटा बना सकते हैं मिक्सी में, और नहीं तो ये कहीं भी आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पकोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत करारे कुरकुरे हो जाते हैं, तो इसलिए डालते हैं चावल का आटा, नहीं तो फिर बेसन में बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसन में भी अच्छे बनते हैं। ये मैं एक छोटी चम्मच नमक डालूंगी, थोड़ा सा हींग, आधी से भी कम चम्मच, थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन है, अजवाइन से स्वाद भी बढ़ जाता है पकोड़े का या ब्रेड रोल का, और हाजमा भी अच्छा करती है। पानी जरूरत के हिसाब से डालेंगे, जितना इसमें घुलेगा, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ता है तो इसलिए कम ही पानी यूज होगा इसमें। ये आधा किलो पालक है कटी हुई, तेल गरम हुआ है नहीं हुआ इसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा डाल के देख लेते हैं, तेल गरम हो गया है। थोड़ी सी गैस का फ्लेम कम कर रही हूँ, नहीं तो कोई पकोड़े जल्दी बन जाए, कोई पकोड़े देर से बनेंगे, और पहले वाले पकोड़े फिर जलने का डर होता है। रोटी सब्जी तो हम पूरे साल ही खाते हैं, पर सर्दियों में पालक का मजा लेने के लिए ये करारे पकोड़े बना के खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब गैस की फ्लेम ऑन कर लें, मतलब तेज कर लें। जब तक हम इसमें पकोड़े छोड़ते हैं जब तक थोड़ा स्लो कर लें गैस की फ्लेम, नहीं तो तेज कर लें। मैं बिगिनर्स के लिए, बच्चों के लिए बता दूं कि पालक के पकोड़े बनाने कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत ही आसान होता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बस पालक को धो लो साबत को और फिर काट लो उसको, और फिर उसके बाद में बेसन और अरारोट घोल के, या अरारोट नहीं तो कोई बात नहीं, खाली बेसन डाल के नमक डाल के, मिर्च मैंने डाली नहीं है, हम मिर्च नहीं खाते या कम खाते हम, तो मिर्च भी डाल लो और ये थोड़ा सा हींग डाल लो, थोड़ा सा अजवाइन बस, और फिर इसको घोल के तेल गरम करके उसमें डाल दो। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती।
और पकोड़े इसमें बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, करारे एकदम। इनको पकोड़ों को बार बार पलटते रहना चाहिए, इससे पकोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं और पूरी तरह पक भी जाते हैं, कहीं से भी बेसन या अरारोट कहीं से कच्चा नहीं रहेगा। शादियों में जो बनते हैं हलवाई बनाते हैं जो, उसी स्टाइल में होते हैं ये वाले पकोड़े। जैसे शादियों वाले पकोड़े आपने खाए होंगे, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं सबको, करारे करारे, तो ये उसी स्टाइल में है, थोड़े सिंपल स्टाइल है और करारे और अच्छे भी हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। अगर पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना और बना के देखना मेरी रेसिपी से। और आज की वीडियो यहीं तक के लिए फ्रेंड, धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।